हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो अभी फ़िलहाल हम राम तैयारी से जा रहे हैं अपने खेत में, जो कि धान हाथ से कटा था, वहाँ देखने जा रहे हैं कि मतलब धान रखा गया सब की नहीं। चलिए चल रहे हैं धीरे धीरे। अब साइकिल पे लोग देख के कह रहे हैं, कैसे साइकिल तू चला हुआ था वह, मतलब सब लोग शॉक्ड हो जा रहे हैं कि साइकिल से, वो भी मैं क्या कहें। अब जैसे साइकिल लेके घर से निकले ही क्या थे कि दो तीन लोग कह दिए कि तू साइकिल ही से हुआ, जैसे नहीं मतलब शॉक्ड हो जाना एकदम कि मतलब ये साइकिल कैसे चला रहा है। बड़े दिनों के बाद साइकिल निकाली, इस वजह से लोग शॉक्ड हो गए। तो ये देखिए पोखरी है, तालाब है भरा हुआ है, और ये साइकिल ऐसी है कि अब हम अभी दिखाते हैं आपको इसका जादू। भाई की साइकिल है, देखिए कैसे ये यहाँ पे ये मिस कर रही है। देखिए यहाँ पे गियर लग रहा है अजीब तरह का। तो यही रास्ता है, साइकिल लेके जा रहे हैं। और ये कुछ मौसम है, ठंडी का मौसम है, लेकिन ठंडी लग नहीं रही है। चलिए चलते हैं। ये देखिए जो वहाँ पेड़ दिख रहा है, तीन वहीं जाना है हमको। तो बहुत मशक्क़त करते हुए धीरे 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 चलते हुए जा रहे हैं। बता दूँ साइकिल से इसलिए जाना पड़ रहा है कि एक बाइक हमारे अकाउंटेंट साहब ले गए हैं, जो कि वो मामा बने हैं तो हॉस्पिटल में हैं, और एक बाइक हमारे छोटे भाई साहब ले गए हैं धान ढोने। धान ढोने गए हैं बाइक से, और हमको जाना पड़ रहा है राम प्यारी से। चलिए चलते हैं वहाँ, दिखाते हैं क्या कर रहे हैं लोग। देखिए मैं सांप बना रहा हूँ, सांप सांप। सोच रहा था सांप बनाने का, लेकिन सांप बन नहीं पा रहा है क्योंकि बहुत स्लो स्पीड है। देखिए इतना दम लग रहा है चढ़ाने पे ऊपर की। तो ये नहर है, नहर का पानी कम हो गया है, और यहीं लोग धान रख रहे हैं क्योंकि खेत में पानी है, तो कंबाइन से कट नहीं पाया पानी। देखिए अभी फ़िलहाल लेवल कम है। और देखिए गाड़ी से आए हैं धान ढोने। तो गाइस गाड़ी में मैंने थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन किया। देखिए ये पीछे का जो मडगार्ड था मैंने निकाल दिया। तो बताइएगा कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा। और यही खेत है, मुझे लगता है एक दो बचा होगा। बड़ी मशक्कत करने के बाद फाइनली पहुंच गया। थोड़ा घर से निकल रहा था, थोड़ा सा मेरा कोलाइड हो गया दीवार के साथ, मतलब लड़ गया। तो अभी सर पे थोड़ा सा हम्प हो गया है, यहाँ पे सूज गया, दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं फील कर सकता हूँ, दर्द कर रहा है थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। तो साइकिल चलाना अभी बहुत मेहनत का काम है गाइस, बड़े दिनों बाद साइकिल चलाया। मुझे नहीं लग रहा है अब इसमें हो पाएगा कुछ। देखिए धस रहा है अभी, मैं गीला है पूरा, तब भी इतना गीला है कि सूखने में मुझे लगता है ठंडी बीत जाएगी। तो ये अभी तैयार नहीं हो पाएगा गेहूं के लिए, ऐसे ही सूखने में। अभी इसमें ट्रैक्टर वैक्टर कुछ चल ही नहीं पाएगा, पहले इसको जोतना पड़ता है, फिर कर ही क्या सकते हैं। अब हर जगह यही हाल, नहर बनने की वजह से पूरा मतलब खेती बर्बाद हो गई। यही खेत एक अच्छा था जिसमें गेहूँ थोड़ा अच्छा होता था, अब ये भी वही हाल है इसका भी। मिट्टी धीरे धीरे ऐसे पानी जमा होने से मिट्टी ख़राब हो जा रही है। देखिए इधर कुछ हुआ ही नहीं था, ये पूरा खाली खाली था, धान उन था ही नहीं इधर। धीरे धीरे जैसे होता क्या है कि पानी जब लगता है तो धीरे धीरे मिट्टी सड़ने लगती है, पता ही होगा आपको। तो ये जब सड़ जाती है तो फिर उपजाऊ नहीं रहती है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा धान मुझे लग रहा है ले जाना है अभी। चलिए रखवाते हैं, फिर मिलते हैं रखवा के आपसे। बोझा बांध रहे हैं, बहुत मेहनत का काम है। आज लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं कि मैं खेत में आ गया हूँ। ये देखिए ऐसे उठा के ले जाएंगे। वाह 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 वाह, क्या टैलेंट है पूरा। अब यहाँ से उठा के ले जाएंगे, वहाँ रखेंगे पेड़ के पास। तो कैसा फील हो रहा है अभी, क्या बताएं। अब अभी हम भी ले चल रहे, उसके बाद बताते हैं कैसा फील होता है। देख के मन मन गुस्सा आ रहे हैं लोग कि कितना लेट आ रहा है, कुत्ता भी आया ढोने। तो गाइस अभी धान उन रखा गया है, बच भी गया थोड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लग रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी अब। और थोड़ा खेत में जैसे जो कहते हैं घास, क्योंकि मेरे पैर में चोट लगा है तो जब ज़्यादा मैं उसमें जोर नहीं दे सकता घास की वजह से, वरना फिर से वो चीज़ दर्द होने लगेगी, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। दर्द हो रहा है थोड़ा, और बहुत ज़्यादा खुजली भी हो रही है धान के उसके वजह से।
अभी राम प्यारी धीरे धीरे घर जा रहे थे। देखिए पैर में जो चोट लगा था मेरा, एक्सीडेंट जब हुआ था उसकी वजह से थोड़ा जैसे पैर धस रहा है तो लोड ज़्यादा पड़ रहा है, उसमें थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ रहा है इस वजह से। और धूप भी काफ़ी तेज़ हो गई है, लग रहा है बहुत तेज़। तो चलते हैं घर, अब उसको वहाँ रखने के बाद फिर दाया जाएगा थ्रेसर से, फिर धान निकलेगा। चलिए देखते हैं कब वो होता है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन बी सेफ़।